आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमांड विथ अजम्पशन एंड एक्सेप्शन। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ठीक है, इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, इसका जो नोट्स है, इसके पहले मैंने डिमांड के ऊपर बनाया है, टाइप्स ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, बेसिक डिमांड का मैंने डिस्कस किया है। वो सारे वीडियोज़ आप देख लीजिए, फिर उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू कीजिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद समझ जाओगे और फिर खुद से एक्सप्लेन करोगे आप। ओके, चलो, जब भी आपको ये क्वेश्चन पूछेगा तो आपको या तो एजम्पशन पूछेगा या तो एक्सेप्शन पूछेगा, लेकिन आपको एजम्पशन एंड एक्सेप्शन दोनों लिखना है। ठीक है, आप ये कर सकते हो कि एक्सप्लेनेशन, जैसे मान लीजिए कि एजम्पशन पूछा है तो आप एजम्पशन का एक्सप्लेनेशन कीजिए, बट एक्सेप्शन का सिर्फ और सिर्फ पॉइंट लिख दीजिए, एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, या तो आप एक्सप्लेन भी कर दीजिए 3 से 4 पॉइंट का, बाकी वो पॉइंट लिख दीजिए। बट आपको अगर क्वेश्चन पूछा लॉ ऑफ डिमांड तो एजम्पशन एक्सेप्शन दोनों पॉइंट्स, दोनों के पॉइंट्स लिखने हैं। कितने कितने पॉइंट्स? मिनिमम 4-4 पॉइंट। ओके, और इन स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए? आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में आप क्या एक्सप्लेन करोगे? यहाँ पे मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन किया, देख सकते हैं। लॉ ऑफ डिमांड इंट्रोड्यूस किसने किया था? डॉक्टर और प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था? उनकी एक बुक आई थी जो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक 1819 में उन्होंने पब्लिश किया था, उसमें उन्होंने लॉ ऑफ डिमांड के बारे में एक्सप्लेन किया था। और इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था? एक्सप्लेन द फंक्शनल रिलेशन। फंक्शनल रिलेशन बेसिकली डिमांड जो होता है वो फंक्शन होता है, डिमांड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस। मतलब प्राइस के अंदर कुछ चेंज होगा तो उसकी वजह से डिमांड इफेक्ट होगा, दैट इज व्हाट फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। मतलब एनी चेंज इन प्राइस विल लीड्स टू चेंज इन डिमांड, तो दैट इज व्हाट फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। ये आपका इंट्रोडक्शन। एंड उसके बाद स्टेटमेंट आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका स्टेटमेंट होना चाहिए क्योंकि एक मार्क्स यहाँ पे आपका स्टेटमेंट में मिलता है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है? डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने डिफाइन किया है लॉ ऑफ डिमांड, क्या बोला है? अदर थिंग बींग इक्वल, प्राइस एंड डिमांड को छोड़ के जितने भी फैक्टर्स हैं जो हमने पढ़े हैं इसके पहले लेक्चर्स में, ये सारे फैक्टर्स हैं, इनकम है, सब्सिडीड गुड्स है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट है, पॉपुलेशन है, एक्सपेक्टेशन, एडवर्टीजमेंट, टेस्ट प्रेफरेंस, ये सारे फैक्टर्स हैं, क्लाइमेट कंडीशन, प्राइस एंड डिमांड को छोड़ के जितने भी फैक्टर्स हैं सब क्या रहेंगे? कांस्टेंट होंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं? अदर थिंग बींग इक्वल। प्राइस एंड डिमांड को छोड़ के जितने भी हैं अदर थिंग, वो सब क्या होंगे? इक्वल होंगे। द लार्जर क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब क्या हो रहा है? लार्जर क्वांटिटी डिमांडेड एट लोअर प्राइस। देखो, लार्जर क्वांटिटी मतलब लार्जर क्वांटिटी डिमांडेड एट लोअर प्राइस, और स्मॉलर क्वांटिटी और लेस क्वांटिटी डिमांडेड एट हायर प्राइस। तो ये रूल याद रख लेना कि हायर, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, लोअर द डिमांड हायर द प्राइस, है ना? तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड। व्हेन प्राइस डिक्रीजेज, जब प्राइस कम होता है तो डिमांड इंक्रीज होता है, व्हेन प्राइस इंक्रीजेज डिमांड डिक्रीजेज, तो डिमांड क्या होता है? कम होता है। ठीक है, ये बेसिक रूल है, आप याद रखना तो आप इजीली जो है ये स्टेटमेंट लिख लोगे। लार्जर क्वांटिटी डिमांडेड, लार्जर क्वांटिटी डिमांडेड एट लोअर प्राइस, स्मॉलर और लेस क्वांटिटी डिमांडेड एट हायर प्राइस। इजी है स्टेटमेंट याद करना, ठीक है, भूलेगा नहीं आपको। ठीक है, कमेंट कर देना। फिर उसके बाद यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ये दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, क्योंकि डिमांड, प्राइस घट रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है, और जब प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घट रहा है, तो देर इज़ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि व्हेन प्राइस ऑफ द, देखो लिखा है, इफ़ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस, जब प्राइस क्या होता है, जब प्राइस राइज होता है तो डिमांड क्या होता है? फॉल होता है, और जब प्राइस क्या होता है? फॉल होता है, तो डिमांड क्या होता है? राइज होता है। वही चीज़ एक्सप्लेन किया, राइज मतलब बढ़ना। ठीक है, अब अगर हम लोग सिम्बॉलिकली देखें तो ये क्या है? सिम्बॉलिकल है। अब एक्स बोलेगा तो कमोडिटी है, क्वांटिटी है, डी बोलेगा तो डिमांड, एफ बोलेगा फंक्शन, पी बोलेगा प्राइस। ठीक है, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ? फंक्शन ऑफ प्राइस, एनी चेंज इन प्राइस विल अफेक्ट द डिमांड, देयरफॉर डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। समझ में आ गई बात? चलो, अब ये स्केड्यूल है, ये भी बहुत ईजी है। सर कैसे ईजी है? Higher the price, lower the demand, lower the price,
हायर द डिमांड, यहाँ पे आप पॉइंट चेंज कर लीजिए, आप यहाँ पे 10 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, 30, 50 कर सकते हैं, कि जब प्राइस ज़्यादा था तो डिमांड कम था, जब प्राइस लो हुआ तो डिमांड क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। समझ में आ गई मेरी बात, है ना। तो ये टेबल को भी याद करना बहुत ईजी है अगर आप ये कंसेप्ट याद रखेंगे, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, और लोअर द प्राइस और हायर द डिमांड, इसके बेस पे आप कोई भी यहाँ पे नंबर बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि यही सेम टू सेम लिखना, आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, बट ये रूल क्या होना चाहिए, अप्लीकेबल होना चाहिए, ठीक है। अगर जैसे मैं यहाँ पे एक स्मॉल टेबल बना के दूँ, जैसे 10 रुपीज़, ये क्या है प्राइस है, ये क्या है क्वांटिटी डिमांड है, 10 है, फिर उसके बाद 8, 6, 4, 2 ये प्राइस है, क्वांटिटी डिमांड 2 उल्टा कर दिया मैंने, 2, 4, 6, 8, 10। अब देखो यहाँ पे ये प्राइस क्या है, लो है, प्राइस क्या है लो है, तो डिमांड क्या है ज़्यादा है, और प्राइस जब हाई है तो डिमांड क्या है लो है। इस तरीके से जो है आप टेबल कोई भी नंबर्स में बना सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी इजी है, जो हमने इंडिविजुअल डिमांड में पढ़ा था वही सेम चीज़ आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। इनवर्स रिलेशनशिप बता सकते हो हर जगह, कि प्राइस डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है, जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है, जब प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ता है, जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है, इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। अब ये डायग्राम है, डायग्राम में भी सेम, वाई एक्सेस प्राइस, एक्स एक्सेस क्वांटिटी डिमांड, डिमांड का क्या हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू, ये आपका लेफ्ट है और ये राइट है, डिमांड का डाउनवर्ड हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्यों डाउनवर्ड हो रहा है लेफ्ट टू राइट, बिकॉज हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, देर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड, देयरफॉर देर इज अ डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डिमांड का डाउनवर्ड हो रहा है लेफ्ट टू राइट, है ना। इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है, ओके। तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से आपको इंट्रोडक्शन, पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ वापस से, जब अगर ये क्वेश्चन आएगा लॉन्ग आंसर्स के लिए 8 मार्क के लिए, तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के बाद उसका एक्सप्लेनेशन सिम्बॉलिकली, फिर उसके बाद टेबल, देन उसका एक्सप्लेनेशन, डायग्राम्स, डायग्राम उसका एक्सप्लेनेशन शॉर्ट में, फिर उसके बाद एजम्पशन एक्सप्लेन। अब एजम्पशन में बहुत सारे पॉइंट है, तो आप 4 से 6 पॉइंट लिखोगे, दैट इज़ इनफ, ओके। मैंने आपको क्या बताया था मेरे फर्स्ट लेक्चर में, कि जो डिटर्मिनेंट्स है वही क्या है, एजम्पशन है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस को छोड़ के, सिर्फ और सिर्फ प्राइस को छोड़ के, क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड प्राइस एंड डिमांड के ऊपर बेस है, ये दोनों वेरिएबल्स का यूज़ करके ही लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन किया है। तो इसके लिए प्राइस को छोड़ के जितने भी फैक्टर्स हैं सब क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट रहेंगे, मतलब सेम रहेंगे, चेंज नहीं होंगे, ओके। चलो पहला पॉइंट क्या बोलता है, कॉन्स्टेंट लेवल ऑफ इनकम। लॉ ऑफ डिमांड कब अप्लीकेबल होगा, जब इनकम के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा तभी अप्लीकेबल होगा। अगर इनकम के अंदर चेंज हो गया सर तो क्या होगा, लॉ ऑफ डिमांड क्या होगा, अप्लीकेबल नहीं होगा। सर क्यों नहीं अप्लीकेबल होगा, क्योंकि डिमांड चेंज होना चाहिए किसकी वजह से, डिमांड अगर चेंज हो रहा है सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, प्राइस की वजह से, किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ प्राइस, बाकी सारे फैक्टर क्या होंगे, कॉन्स्टेंट होंगे। समझ में आ गई बात, ठीक है। वापस से रिवाइड करके देख लीजिए मैंने क्या बोला, क्या मैंने बोला, अगर कंज्यूमर का इनकम कॉन्स्टेंट होना चाहिए तभी लॉ ऑफ डिमांड अप्लीकेबल है, अगर कंज्यूमर का इनकम कॉन्स्टेंट नहीं होगा, अगर कंज्यूमर का इनकम चेंज हो गया तो अप्लीकेबल नहीं है। सर क्यों, क्योंकि डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, कि डिमांड चेंज होता है सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, प्राइस की वजह से, बाकी सारे फैक्टर क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए। इसके लिए हमने वहाँ पे पढ़ा अदर थिंग बेइंग इक्वल, अदर थिंग बेइंग रिमेन कॉन्स्टेंट। सेम दूसरा पॉइंट, नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है कि जो पॉपुलेशन है वो सेम होना चाहिए, ओके। अगर पॉपुलेशन चेंज हो जाएगा, पॉपुलेशन का जो साइज़ है, ठीक है, अगर बढ़ जाएगा तो डिमांड चेंज हो जाएगा, और डिमांड चेंज हो जाएगा तो अप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड किस पे अप्लीकेबल, डिमांड चेंज होता है किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से, बाकी सारे फैक्टर क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स का भी एक्सप्लेन कर सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। कैसे, लॉ ऑफ डिमांड कब अप्लीकेबल है, जब प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड्स का क्या रहेगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस चेंज हो जाएगा तो डिमांड क्या हो गया, चेंज हो गया, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड ने क्या बोला, कि सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से, प्राइस की वजह से, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स है, ओके। सेम कॉम्प्लीमेंट्री का, एक्सपेक्टेशन का भी सेम वही रहेगा, कि लॉ ऑफ डिमांड अज्यूम करता है कि एक्सपेक्टेशन चेंज नहीं होना चाहिए कंज्यूमर का,
तभी क्या होगा, अप्लीकेबल होगा। अगर एक्सपेक्टेशन चेंज हो गया तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होगा, अप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिमांड सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से चेंज हो जाता है, प्राइस की वजह से। बाकी सारे फैक्टर क्या रहते हैं, कॉन्स्टेंट रहते हैं। समझ में आ गया मेरी बात? ठीक है, चलो 6 से 7 पॉइंट आपने लिख लिया, दैट इज इनफ। ओके, अब बात आती है सर एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब होता है नॉट अप्लीकेबल। लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट अप्लीकेबल इन केस ऑफ दी एक्सेप्शन। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, अप्लीकेबल नहीं होता किसके केस में, एक्सेप्शन के केस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिमांड जो होता है वो अगर इंक्रीज या डिक्रीज होता है किसकी वजह से, प्राइस की वजह से नहीं, प्राइस की वजह से नहीं, यहाँ पे दूसरे फैक्टर की वजह से क्या होता है, डिमांड इंक्रीज डिक्रीज होता है। प्राइस क्या होता है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं करता। इसके लिए क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जो है एक्सेप्शन बोलते हैं। मतलब अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बढ़ना चाहिए। यहाँ पे प्राइस घटेगा तो डिमांड भी घट सकता है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इनवर्स रिलेशनशिप है, जो क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है, यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप हो जाता है। क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। एजम्पशन में अगर प्राइस चेंज, मतलब डिमांड चेंज होता है सिर्फ और सिर्फ, जैसे प्राइस घट गया तो डिमांड बढ़ गया, और अगर प्राइस बढ़ गया, जैसे अगर प्राइस इंक्रीज हो गया तो डिमांड क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। लेकिन एक्सेप्शन के केस में ऐसा नहीं होता है। एक्सेप्शन के केस में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। एक्सेप्शन के केस में इनवर्स नहीं होता है। एक्सेप्शन के केस में ऐसा हो जाता है कि अगर प्राइस घट गया तो डिमांड भी घट गया, जो कि डिमांड बढ़ना चाहिए डिमांड लॉ ऑफ डिमांड के रूल के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डिमांड घट रहा है। इसके लिए क्या होता है, अप्लीकेबल नहीं होता है। ये बात को समझो, अगर ये समझोगे तो पूरा एक्सप्लेन कर पाओगे। अगर प्राइस बढ़ गया तो डिमांड भी बढ़ जाता है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे इनवर्स है क्या, नहीं है। इसके लिए क्या, अप्लीकेबल नहीं है। तो पहला वाला जो है गिफिन पैराडॉक्स, ये गिफिन रॉबर्ट करके जो इकोनॉमिक्स थे उन्होंने जो है रिसर्च किया था पेरिशेबल गुड्स के ऊपर, और उनका सिंपल ये कहना था, ध्यान से सुना, उनका ये कहना था कि जब पेरिशेबल गुड्स का प्राइस कम होता है, जब पेरिशेबल गुड्स का प्राइस क्या होता है, कम होता है। व्हाट इज़ पेरिशेबल गुड्स, पहले वो हम लोग पढ़ लेते हैं। इन्फीरियर गुड्स पेरिशेबल लाइक ब्रेड, ठीक है, पटैटोस, मिल्क, फिश, ये सब क्या होता है, जो पटैटोस यहाँ पर देखो लिखा पटैटोस, ब्रेड, ये सब क्या होते हैं, इन्फीरियर गुड्स होते हैं। अब गिफिन ने क्या किया था, रिसर्च किया था इन्फीरियर गुड्स के ऊपर, और इनका ये कहना था कि अगर अगर मान लो कि प्राइजेस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ठीक है, अगर प्राइजेस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, किसके, इन्फीरियर गुड्स पे, तो रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए, डिमांड बढ़ना चाहिए। लेकिन गिफिन का ये कहना था कि डिमांड क्या होता है, अगर इन्फीरियर गुड्स का प्राइस कम होता है तो डिमांड क्या होता है, या तो सेम होगा या तो कम होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। मतलब लोअर प्राइस पे क्या होना चाहिए, हमने क्या पढ़ा, अगर प्राइस लो है तो डिमांड बढ़ना चाहिए। लेकिन गिफिन का क्या कहना था कि अगर प्राइस लो होगा तो डिमांड या तो सेम रहेगा या तो फिर क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। इसके लिए क्या है, अप्लीकेबल नहीं है। इनका ये कहना था कि जो प्राइस कम होता है तो लोग डिमांड ज़्यादा नहीं करते हैं। रीज़न उन्होंने क्या दिया कि या तो डिमांड घटेगा या तो डिमांड सेम रहेगा, बाकी जो पैसा बच जाता है वो पैसा सुपीरियर गुड्स, मतलब अच्छे गुड्स के लिए कंज्यूमर क्या करता है, स्पेंड करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गिफिन पैराडॉक्स। ठीक है, एक बार वापस से रिवाइंड करके आप सुन लीजिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ, गिफिन गुड्स का जो होता पैराडॉक्स, इन्फीरियर गुड्स के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया, कौन सा, जैसे ब्रेड, पटेटो, ये सब पे, और उनका ये कहना था कि जो इन्फीरियर गुड्स के अगर प्राइजेस कम होते हैं तो लोग डिमांड ज़्यादा नहीं करते हैं, लोग डिमांड या तो सेम रखते हैं या तो कम कर देते हैं, तो उनके पास जो पैसा बच जाता है। अब मान लीजिए कि जो ब्रेड 20 रुपये का मिलता था उनको, अब प्राइस कम हो गया तो उसको आपको 10 रुपये मिल रहा है, तो 10 रुपये तो बच रहे हैं ना, तो 10 रुपये का 2 ब्रेड और एक ब्रेड और खरीद सकता है, राइट, एक पैकेट। लेकिन कंज्यूमर क्या करता है, वो 2 पैकेट ब्रेड का नहीं खरीदता, एक ही पैकेट खरीदता है, और वो जो पैसा बच जाता है उसको सेव करके कोई अच्छे क्वालिटी के गुड्स में क्या करता है, वो जो है स्पेंड करता है। ओके, चलो हमने पूरी कहानी बता दिया, आई एम श्योर आपको समझ में आ गया रहेगा। कुछ डाउट है तो ये पॉइंट पर कमेंट करना। उसके बाद प्रेस्टीज गुड्स, व्हाट इज प्रेस्टीज गुड्स,
प्रेस्टीज गुड्स सिंपली मतलब होता है जो लग्जरियस गुड्स होते हैं, जो रिच गुड्स होते हैं, महंगे गुड्स होते हैं, शो ऑफ करने के लिए यूज होते, तो उसको हम लोग प्रेस्टीज बोलते हैं। कॉस्टली गुड्स जो होते हैं उसको प्रेस्टीज गुड्स होते हैं। अब मुझे बताओ, लोग प्रेस्टीज गुड्स खरीदते हैं क्या करने के लिए? शो ऑफ करने के लिए। प्रेस्टीज गुड्स मतलब कॉस्टली, हायर प्राइस पे लोग हायर डिमांड कर रहे हैं। हायर प्राइस पे लोग क्या कर रहे हैं? हायर डिमांड कर रहे हैं। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड का रूल क्या है कि अगर प्राइस हाई है तो डिमांड क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। लेकिन प्रेस्टीज गुड्स के केस में क्या हो रहा है? डिमांड हायर प्राइस पे हायर डिमांड हो रहा है, तो ये क्या है? अप्लीकेबल नहीं है। सो रिच पीपल बाय द कॉस्टली थिंग्स लाइक डायमंड, हायर प्राइस मोटर कार्स एंड बैंगलोर एक्सेट्रा व्हेन देयर प्राइस इज हाई एंड जस्ट टू शो ऑफ द सोसाइटी एंड वाइस वर्सा, अपने आप को शो ऑफ करने के लिए, एक इमेज जो रेपुटेशन बिल्ड किया उसके लिए हायर प्राइस पे हायर डिमांड करते हैं। इसके लिए लॉ ऑफ डिमांड पे अप्लीकेबल नहीं है, एक्सेप्शन। स्पेकुलेशन सेम चीज़, जो एक्सपेक्टेशन जो मैंने बताया, जैसे मैंने कहानी बताया था गोल्ड का, अगर आपने डिटर्मिनेंट्स वाला वीडियो देखा है तो आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, पूरा नोट्स अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, ये वाला एग्जांपल एक्सपेक्टेशन वाला, ये वीडियो आप देख लीजिए डिटर्मिनेंट्स का, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, तो आपको समझ में आ जाएगा वो पॉइंट। और इसमें अप्लीकेबल इसलिए नहीं है क्योंकि स्पेकुलेशन के केस में हायर प्राइस पे क्या करते हैं? हायर डिमांड कर देते हैं, और लोअर प्राइस, अगर प्राइस क्या है? लो है, तो डिमांड भी क्या कर देते हैं? लो कर देते हैं। इसकी वजह से क्या है? लॉ ऑफ डिमांड पर अप्लीकेबल नहीं है। प्राइस रिलेशन मतलब ये समझिए कि आप मार्केट में जाइए, एक टमाटर आपको 30 रुपये किलो है, 30 रुपये केजी है, ओके, और एक दूसरा ठेले पे दूसरा जो टमाटर है वो 20 रुपये केजी है, आप कौन सा वाला लोगे? 30 रुपये वाला लोगे, ये सोच के कि प्राइस हायर है तो उसका क्वालिटी अच्छा होगा। लेकिन जो कि अगर देखा जाए तो दोनों सेम ही है, लेकिन प्राइस ज़्यादा होने की वजह से आप सोचते हो कि जिसका प्राइस हाई है उसका क्वालिटी अच्छा होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइस इल्यूशन, ठीक है। उसके वजह से क्या होता है कि हायर प्राइस पे लोग हायर डिमांड कर देते हैं, हायर डिमांड कर देते हैं, और लोअर प्राइस पे क्या करते हैं? लोग लो डिमांड करते हैं। हायर प्राइस, जब प्राइस लो होता है तो सोचते हैं कि क्वालिटी अच्छा नहीं होगा, इसके लिए लोग डिमांड ही नहीं करते हैं। तो इसके लिए लॉ ऑफ डिमांड पे क्या अप्लीकेबल नहीं है। इग्नोरेंस मतलब ये होता है कि मार्केट में कुछ चेंजेस, प्राइस कम हुए हैं लेकिन लोगों को पता ही नहीं है, तो इसके लिए उस चीज़ का डिमांड भी क्या होता है? कम होता है, तो ये भी अप्लीकेबल नहीं है। हैबिचुअल गुड्स के केस में आपको भी पता है कि अगर प्राइस कितने भी हाई होने दो हैबिचुअल गुड्स के, तो भी लोग डिमांड करते ही करते हैं, मतलब हायर प्राइस पे हायर डिमांड होगा ही होगा। ऐसा नहीं होगा प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग डिमांड करना बंद कर देंगे। पैंडेमिक के सिचुएशन में आपको एग्जांपल देख सकते हो कि जब ओपन हुआ था तो लोग कितनी बड़ी बड़ी लाइन लगाने के लिए, खरीदने के लिए तैयार थे, तो वो केस में क्या हायर प्राइस पे लोग हायर डिमांड करते, तो वो केस में क्या अप्लीकेबल नहीं है क्योंकि डिमांड का रूल क्या बोलता है? हायर प्राइस होना चाहिए तो डिमांड क्या होता है? लो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लो है क्या? नहीं, यहाँ पे बढ़ रहा है उल्टा डिमांड, तो अप्लीकेबल नहीं है। फैशन के केस में भी सेम वही है कि जो आउटडेटेड फैशन है उसका प्राइस कम है तो भी डिमांड नहीं कर रहे लोग, लो प्राइस पे लो डिमांड कर रहे हैं, जो कि रूल के हिसाब से क्या बोलता है कि अगर प्राइस लो होता है तो डिमांड क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। लेकिन लो प्राइस पे लोग लो डिमांड कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो फैशन क्या है? आउटडेटेड है। अब नया फैशन का प्राइस, नया फैशन है तो उसका प्राइस भी ज़्यादा रहेगा, तो लोग डिमांड भी उसका ज़्यादा करते हैं। नया फैशन है तो लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं भले प्राइस ज़्यादा है, तो इसके लिए अप्लीकेबल नहीं है। तो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया रहेगा लॉ ऑफ डिमांड विथ अजम्पशन एंड एक्सेप्शन। आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, कैसे आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आगे चल के मैं आपके सारे जो फीडबैक्स रहेंगे उसके ऊपर मैं इम्प्रूव करूँगा, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन इन डिमांड और उसके बाद चेंज इन डिमांड, ओके।